अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सभी सुनने और देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। आजकल एक केस जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है और वो है फॉरेन फंडिंग केस। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिल आखिर ये फॉरेन फंडिंग केस है क्या। ये बात है 14 नवंबर 2014 की, जब पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये केस दायर किया जाता है, जिसकी 8 साल तवील समात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा, 6 मरतबा केस के नाकाबले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर होने की दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पीटीआई को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। फंडिंग केस के लिए पीटीआई ने 9 वकील तब्दील किए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम की। स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास हुए, जिसमें 24 बार पीटीआई ने इल्तवा मांगा, जबकि पीटीआई ने दरखास्त गुजार की कमेटी में मौजूदगी के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की। स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार ऑर्डर जारी किए कि पीटीआई मुतालिका दस्तावेजात फराहम करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2020 में स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि रिपोर्ट नामुकम्मल है और तफसीली नहीं। स्क्रूटनी कमेटी ने 4 जनवरी 2022 को हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई बैंक स्टेटमेंट से मुतालिक स्टेट बैंक के जरिए हासिल 8 वॉल्यूम्स को खुफिया रखा और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 8 वॉल्यूम अकबर एस बाबर के हवाले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को दी गई दस्तावेजात में 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरकी वस्ता के ममालिक के अलावा अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और फिनलैंड समेत दीगर ममालिक से फंड मौसूल हुए। स्क्रूटनी कमेटी ने अमरीका और दूसरे मुल्कों से फंडिंग की तफसीलात से मुतालिक सवालनामा पीटीआई को दिया, मगर वाज़ेह जवाब न दिया गया। पीटीआई की जानिब से गैर मुल्की अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। पीटीआई ने गोशवारों में एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया, जबकि स्टेट बैंक के डाटा के मुताबिक पीटीआई के पाकिस्तान में 26 बैंक अकाउंट्स हैं। पीटीआई ने 2008 से 2013 के दौरान 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए। पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब में 11 अकाउंट से इजहार लातअल्लुकी किया और कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर खोले गए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि बरतानिया में फंड्स इकट्ठे करने के लिए T20 मैच करवाए गए। दीगर जराए से भी हासिल की जाने वाली रकूम पीटीआई को मुंतकिल की गई। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया कि पीटीआई को रकम अपराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की जानिब से मुंतकिल की गई। आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी वॉटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। आरिफ नकवी ने क्रिकेट मैचेस मुनाकिद कराए, जिनमें सबसे अहम मैच ऑक्सफोर्ड शायर में आरिफ नकवी की रिहायशगाह पर खेला गया। वीकेंड पर दी गई दावत में इमरान खान समेत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, सैकड़ों बैंकर्स, वकला और सरमायाकारों ने शिरकत की। बरतानवी अखबार के दावे के मुताबिक आरिफ नकवी 2012 से 2014 वॉटन T20 के सदर रहे। वॉटन पैलेस पर खेले जाने वाले मैच के लिए मेहमानों को फलाही मकासद के लिए 2 से 2500 पाउंड के दरमियान अदायगी का कहा गया। यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि बरतानिया में हर साल मौसम गर्मा में इस किस्म के चैरिटी फंड रेजर मुनाकिद किए जाते हैं। ताहम गैर मामूली बात यह थी कि जमा किए गए फंड्स का फायदा पाकिस्तान की एक सियासी जमात को हुआ। दोस्तों, रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया कि रकम वॉटन क्रिकेट लिमिटेड को फीस अदा की गई, जो दरअसल कैमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी थी, जिसके मालिक आरिफ नकवी थे। वॉटन क्रिकेट को कई कंपनियां और अफराद ने लाखों डॉलर के फंड्स दिए, जबकि मुतहिदा अरब अमारात के वजीर ने, जो अबूधाबी के शाही खानदान के फर्द भी हैं, 20 लाख पाउंड दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात के जायजे में कहा गया कि वॉटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से 13 लाख डॉलर मौसूल हुए। वॉटन क्रिकेट के अकाउंट से
$13,00,000 براہ راست پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے لیے فورن فنڈنگ پر پابندی عائد ہے۔ دیگر تفسیرات کے مطابق April 2013 میں شیخ نہیان مبارک نے ووٹن کرکٹ کے اکاؤنٹ میں $2,00,000 منتقل کیے۔ $2,00,000 آنے کے 6 دن بعد $12,00,000 دو قسطوں میں پاکستان منتقل کر دیے گئے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ کراچی میں طارق شفیع کے ذاتی اکاؤنٹ یا لاہور میں انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کی تجویز دی گئی۔ عارف نقوی نے متعلقہ فرد کو کہا کہ پی ٹی آئی کو $12,00,000 بھیجے، لیکن کسی کو نہ بتائیں کہ فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں اور کون حصہ ڈال رہا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق شیخ نہیان نے تبصرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا، تاہم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تصدیق کی کہ طارق شفیع نے پی ٹی آئی کو چندہ دیا۔ تو دوستو، یہ تھی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے مختصر مگر جامع تفصیلات کہ کس انداز سے رقوم کو ادھر سے ادھر شفٹ کیا گیا، اور اسی کیس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، جبکہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے معطل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں دو بڑی غلطیاں کی ہیں، ایک سکندر راجا کو الیکشن کمشنر بنانا، اور دوسری غلطی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں بتاؤں گا۔